ये हो रही है फ्रेंड्स तैयार, अब जाएगी क्लब में पूरे मोहल्ले में। कितने लोग औरतों को दोगे ये क्लब? हैं कलपने का सामान कितने? 14 को देगी ये। ये मेरा निकाचू, टीवी, फोन, बस, इन दोनों भाई बहनों की यही जिंदगी है। पतंग भी नहीं उड़ाने दे रही मेरे को, मैं जैसे ही छत पे जा रहा हूँ पापा पापा करके नीचे बुला लेती है। अब मेरी भाभी मेरे भाई के नाम की सिंदूर भरेगी। हाँ फिर आज वापस भर रही है। मेरे भाई भाभी की तो शादी हो नहीं हो, पर मेरी वाइफ और मेरी भाभी की शादी हो गई। इसने मंगलसूत्र पहना दिया है इसको। तो गाइस देखिए मैं रेडी हो गई, आप बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो दीदी चावल, मेरी सिस्टर चावल तो दे दो मुझे, हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। दीदी चावल तो दे दो मुझे, देखो राइस। ओह हो राइस। और ये देखो हमने क्या गंदगी कर रखी है, वाह। नहीं नहीं आज ही है, ऐसे नहीं रहता ये दीदी। कैसे लग रहे? हमने रख लिया सामान। हाँ हाँ नीचे चल रहे, हाथ जोड़ ली, पैर पढ़ ली। बताना फ्रेंड्स कैसी लग रही है ये दोनों? अच्छे लग रहे हो। हमसे घूमा नहीं जाता। सबसे पहले किसके जाओगे? चलो आ जाओ, हम चलते हैं। आ जाओ नीचे चलते। थैला कैरी बैग। ये देखो 10 रुपए मांगता रहता है इसको, तो बस अभी 10 रुपए दिए थे चीज ले आए जिसकी, अब फिर 10 रुपए मांग रहा है। हट जा, मैं टिंग 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 बजा रहा। तो पूजा थोड़ी कर रही जो पूजा की बारी में रख दिए। ये मम्मी को देंगे। मम्मी की औरों से जाएंगे, औरों से मिलाना सबसे। हम आए हमारे ताई जी सास के घर पे, ये हमारी मेरी बड़ी बड़ी जेठानी है, हम गले मिल रहे थे। हम सब हंस रहे हैं कि ब्लॉग बना रहे थे ना, इस वजह से। दीदी अब इनको कलपने का सामान दे रहे हैं, ये हमारी बड़ी बड़ी जेठानी है, और अब ऐसे कह रहे हैं पिक क्लिक करवा लो एक साथ में। और ये देखो इनको छत पे कड़के खड़े होके आए कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बाटी चूरमा जगरे में सेक रही है, ये भी मेरी बड़ी, सब बड़े बड़े जेठानी हैं ये मेरी। ये दीदी इनके पास जाके बैठ गए और इनको कुछ कह रहे थे ये बाटी के लिए। ये भी ऐसे कह रही है मेरी एक पिक के लिए कर दे बाटी सेकते हुए, तो इसकी बाटी सेकते हुए पिक क्लिक कर रही थी मैं, और वो उधर हाथ धो रहे थे। और इसको देखो आ जाओ ऐसे कह रही है सबको खा लो बाटी। वो उधर हमारी छत है पीछे का,
अभी आपको सारी जगह जा जा के फिर दिखाते हैं सबके घरों में। ये मैं अब मेरी बीच वाली जेठानी है, उनको गले मिल रही हूँ और उनको सामान दे दिया मैंने। अब दीदी दे रहे हैं उनको और फिर वो कह रहे हैं कि पिक क्लिक कर रहे हो क्या किसी को पता नहीं है ब्लॉग बन रहा है। ये दीदी दे दी इनको हमारे सबके, हम पैर तो छूते हैं नहीं, इनके छूने ही नहीं देते तो इनके गले मिलते हैं। हाँ अजय वहाँ से ब्लॉग बना लेते हैं आप। मैंने इतनी तमीज मैंने से अब इसकी बारी आ गई है अब ये देगी वो भाभी को भी दे दी ना। हाँ तो उन्हें को दे दी ना। हाँ हमारे बड़ी भाभी है तो उनको देने आई है। धीरे धीरे सब सीख जाओ ना। ये देखो दीदी दे रहे हैं। हाँ पैसे दे दी माँ भाभी का कह रही है। ये हमारा मोहल्ला है देखो, यहाँ पे सब धुलाई धुलाई करते रहते हैं। हम छत पे यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये ऐसे घूम रही है पर हम ब्लॉग बना रही, वीडियो कौन बना रही। ये इनको देखो, ये मुसलमान है। ओए मुल्ले है ही नहीं। ओ कहाँ है मेरे पति की पेट। अरे तो अभी पैक करा के लेके आओ। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में जरूर बताना। ये ड्रेस मेरी प्रमोशन के लिए आई हुई थी। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर पे, वहाँ का काम वाम फ्री कर कर अब ये हमें छोड़ के आ रहे हैं। दीदी बैठी है पीछे, ये रही निक्कू और ये रहे हम। आपको घर जाके बताते हैं हमारे क्या क्या बन रहा है। हमारे घर पे तो हम पूरी सब्जी बना के आए। ओके गाइस बाय, जाके बताते हैं। आ गए मेरी मम्मी के, ये रही मेरी मम्मी, ये घूंघट वाली मेरी भाभी और ये देखो आता ही पकौड़े बनावा लगी। देखो दाल की पकौड़ी, ये मसाला कत्तो मस्त। बस अम्मा आता है, हमारी मम्मी गरम गरम पकौड़ी बना रखोगी। आ जाओ जीने भी खानी हो, सबका घर आई है। सकरात मारो दाल के पकौड़े बना चल। और चीज भी दिखा दो हमारे। मेरी मम्मी मिर्ची, बेसन की मिर्ची बनाओगी मेरी मम्मी। तिल का लड्डू और काय काय चाहिए था घर में। फीनी है देखो, तिल का लड्डू फीनी है। हाँ और पूड़ी बना लिया, दही की चटनी है। ये अभी चाय बना रही चाहे। और ये देखो चटनी हमारे, पूड़ी बनी, सब्जी देखो, आलू छोला की सब्जी। इम गाई थी इम चे पूड़िया, मजा आ गया। सब कुछ अब हम खाएंगे क्योंकि हम भूखे आए। हाँ। क्योंकि हम खा के नहीं आए, वो बना के आए बस। ये देखो मन मम्मी मसाला बना कर मिर्चा भर रखी जा। अब बस निकाले ली, देखो बना दी मिर्ची, निकाल गरम गरम। मैं मम्मी का हाथा से मस्त एक नंबर। बाहर की मिर्चा से भी ज्यादा अच्छी लागे छे घर की मिर्ची। अभी बनाओगी जब देख जो टेस्ट करके बताओ छे कशी बनी छे। ये देखो हमारी मिर्चिया बन बन के आ गई। इतनी मोटी मिर्चा मिल रही थी बारह ना, देखो साइज देखो इनकी। कब हमें पकौड़े खा ले जा, अभी तो बहुत सारा है। अभी अभी तो बना लो माल गरम गरम। हम खा रहे खाना देखो। पापा मिक्कू खा गई, मिक्कू ये रही मिक्कू देखो यही मैं लुक रही चाहे।
हम पी रहे चाय। देखो ये चाय ले कर नीचे मैं चाय वो रखी। देखो मेरी उंगलियां कट गई है, मेरे पापा टेप लगा रहा हूं। मेरे पापा की उंगलियां कट गई। अतरी पतंगा उड़ाओ जा हर संडे तो छत पे शाम तक। बुढ़ापा में पतंग कौन छोड़े, पतंग फेवरेट पापा को फेवरेट त्योहार। यही चल दो दिन की छुट्टी करनी पड़ती है मेरे को। हाँ दो दिन की छुट्टी कर रहे मेरे पापा इस त्योहार के खातिर। दीपावली को छुट्टी नहीं करता मैं। हाँ दिवाली ने छुट्टी कम करे लेकिन ई त्योहार ने तो दो दिन का ही तीन दिन भी छुट्टी कर लेला मेरे पापा। देखो, देखो मेरे पापा का चरखा और मेरे पापा की पतंगा को बक्सो रखे थे उंडी वो सिडिया में और उग तालो लगा रहा है कछे कोई नहीं कौन दे रहा है। चल क्या पड़ी है इधर पतंगे पड़ी है। देखो मार पापा की पतंगा हमारा बुआ सुबह बुआ न्यू फैशन अच्छी ड्रेस के लिए। ये मार पापा देखो मोर वाली पतंग एक ने तो कटवा दिया थे वो कटेगी अरे मोर आ गई मैं उससे। अच्छा अब ये मोर वाली पतंग उड़ावला फिर उड़ाएंगे और अंडे माँ को अंडे की तरफ को एरियो बहुत ज्यादा पतंगी पतंग पतंगी पतंग उड़ाओ चो भाई अंडी का लोग। माँ सासरा की तरफ कौन पापा अतरी हाँ अपनी छत भी ऊंची चो ना वजह से ज्यादा दिखा चाह ना। हेलो गाइस देखो इतने सारे पटाखे सही च मम्मी अपना जी बार कोई छोटा मोटा फंक्शन करो छत माला तो भी चले। हाँ अः तो बुरी तो कौन देख कितनी बड़ी दरी चे तू या देख मैं तो यही देख रही छू अशी दरिया खरीद ले सही बात है कोई काम को ना सही मैं काम को ना तो पापा ते मजाक मत बनाओ। आवाज संक्रांति ऊपर लेके नहीं गई उद्घाटन करते कल कर लीजिएगा हाँ काल काल भी चावला काल कल दाल बाटी बनाएंगे हमारे छाछ भी छाछ हाँ छाछ भी ना तो दाल बाटी कौन जाओ हाँ तो बस हम खाना खा रहे हैं। देखो जाडो पढ़ रहे थे बैंक करी आज आवाज चल रही ना आ जाओ आप जिन्हें पढ़ो ये वापिस बन माल पर गरम बने जब वापिस शाम को सब्जी है पूरी सब्जी पीनी पकौड़ी मिर्ची अभी बन के आ रही है वापिस से फिर हम खाएंगे। देखो हम साथ में खाते हैं
कभी भी कोई भी त्योहार हो चाहे नमक बोलता रहना चाहिए, सब्जी में थोड़ा नमक कम है। गरम गरम खाओ, ठंडी हो जाओ, ठंडी हो जाओ, मजा नहीं आएगा।